नमस्कार, रमन कुमार अधूरे वतन की आवाज। आप कितना भी बचना चाहें, लेकिन समाज के बीच में घूम रहे नटवर लाल आपको फंसा ही लेते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो सिर्फ कहानी नहीं एक सच है। एक रिटायर्ड फौजी को कैसे पोंजी स्कीम में फंसा लिया नटवर लाल। मैं आपको इससे पहले कुछ बताना चाहूंगा कि कैसे पोंजी स्कीम क्या है और कैसे इसमें लोग फंस जाते हैं। लोगों का कहना है कि अफीम का नशा से ज्यादा घातक नशा है पोंजी स्कीम की। सपनों की दुनिया में मस्त युवाओं को पता ही नहीं चलता कि कब उनके जमा पूंजी को चंपत लगा गया है नटवर लाल। नशा तो फिर भी 12 घंटे में टूट जाते हैं, लेकिन पोंजी स्कीम का नशा तो तभी टूटता है या उतरता है जब सब कुछ लूट जाते हैं। धन के साथ साथ मान सम्मान सभी हो चुके होते हैं खत्म, क्योंकि नटवर लाल आप से ही आपके घर में डकैती करवाने की स्कीम आपको सिखा देता है। ऐसे ही आगरा के अलावा दिल्ली NCR में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लाखों युवाओं को ठगा जा रहा है। हाल ही में नोएडा पुलिस के द्वारा हाइपर मार्ट फर्जी फ्रेंचाइजी कंपनी बनाकर लोगों को फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करोड़ों की लूट करने वाला नटवर लाल को गिरफ्तार किया था। ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर रविवार को निकले तो कहीं ना कहीं आपको उन लोगों के भीड़ देखने को मिल जाएंगे जो अपना सब कुछ लुटाने के बाद अपनों को कैसे लुटवाएं, अपने भाई बहन साथी दोस्तों को कैसे गिरफ्त में ले इसके लिए प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, और अपने आप को समाज के सबसे स्मार्ट और विकसित भी समझ रहे होते हैं। अब बात आती कि ऐसे नटवर लाल को पहचाने कैसे। यह आपको असामान्य तरीके के दिखेंगे। अपने आप को ऐसे दिखाएंगे जैसे कि यह रातों रात करोड़पति बन गया हो या बनने वाले हैं। बड़े बड़े होटलों के आसपास मिलेंगे और आपको मिलने के लिए भी बड़े बड़े होटलों में बुलाएंगे। कुछ ही सालों में या महीनों में आपको करोड़पति बनने की स्कीम बताएंगे। जल्दी से नौकरी छोड़ देंगे और साथ मालिक को कहेंगे कि हमें कुछ बड़ा मिल गया है। आपके पूछने पर टाल मटोल करेंगे ताकि आप उसके पीछे पड़े रहें, और जैसे ही आप उसके पीछे पड़ेंगे आपका जमा पूंजी आपके हाथ से निकलवा लेंगे, क्योंकि आप इनको पहले से जानते हैं तो विश्वास जमाने में समय नहीं लगते। यह सब सामान्य लक्षण है। हमेशा मोबाइल पर लगे रहेंगे जिसमें इन काले कारनामों करने की वीडियो होते हैं या प्रशिक्षण होते हैं। एक बार आप भी जुड़ जाइए, फिर आपको भी ये वीडियो दिखाएंगे। युवाओं के द्वारा बिना कुछ किए बहुत कुछ अधिक पाने की सपने को शायद पूंजी स्कीम वाले बड़े अच्छे से समझते हैं। यही कारण है कि बड़े आसानी से इन्हें फंसा लेते हैं। क्योंकि युवा बड़े कम समय में ही बंगला गाड़ी विदेश यात्रा और पता नहीं क्या क्या पाना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता होता कि ये सारा खेल जिसे पोंजी स्कीम कहते हैं उनमें सिर्फ सपने बेचे जाते हैं, बदले में खून पसीने के लाखों और करोड़ों डकार लेते हैं। अक्सर ऐसे विज्ञापन आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे जिसमें करोड़ों कमाने की झांसा दिए जाते हैं और लोग बड़े आसानी से इसमें फंस भी जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर पोंजी स्कीम है क्या। पोंजी स्कीम वह है स्कीम है जिसके तहत कंपनी निवेशकों को ज्यादा रिटर्न देने का लालच देती है। इन्वेस्टर के साथ धोखा धड़ी करने वाले चार्ल्स पोंजी के नाम पर इसका नाम पड़ा पोंजी स्कीम। चार्ल्स पोंजी ने इस धोखाधड़ी को 1920 में अंजाम दिया था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक कम निवेश पर ज्यादा रिटर्न देने की वादा करने वाली स्कीम्स को पोंजी स्कीम कहते हैं। पोंजी स्कीम का यह खासियत होती है कि सरकार लाख निवेशकों को जगाए, लेकिन निवेशक लालच में आकर इस स्कीम का शिकार हो ही जाते हैं। इसका मुख्य कारण इन कंपनियों के द्वारा किया गया वादा है। हर साल करोड़ों लोग इनका शिकार बन जाते हैं या बनाए जाते हैं।
इन जालसाज कंपनी के द्वारा निवेशकों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। ऐसा वादा किया जाता है कि अगर निवेशक इसमें निवेश करे तो कुछ सालों बाद उनको घर बैठे पैसे मिलते रहेंगे और उनको कमाने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय में अगर कोई फ्री की दे तो कमाना कौन चाहेगा, इसी लालच में अपने खून पसीने की कमाई को लूटा बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया है। इसमें श्री जगदीश सिंह ने टॉप राइडर ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप लगाया है कि उसने हजारों लोगों से निवेश के नाम पर 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बना ली है। शुरू में उसने लालच देकर लोगों को फंसा लिया और अब पैसे देने के नाम पर टाल मटोल किया जा रहा है। उनको बताए गए स्कीम के हिसाब से 2,61,000 की राशि बनती है, लेकिन अभी तक उनको सिर्फ 1,00,000 के करीब ही दिए गए हैं और अब पैसे मांगने पर टाल मटोल किया जा रहा है। उसने अपने कुछ लोगों के को महंगे महंगे कार्ड दिए हैं, बाकी के सारे पैसे अपने अय्याशी और मस्ती पर लुटा लिया है। श्री जगदीश सिंह का कहना है कि उनका बेटा अजय सिंह बेरोजगार चल रहा था। एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक YouTube के माध्यम से इस कंपनी के निवेश प्लान को देखा, जिसमें ओला और उबर के तर्ज पर आगरा टाइप टॉप राइडर कैब चलाने की योजना थी, जिसे बाद में पूरे देश में विस्तार करने की बात थी। निवेश प्लान में माइक्रो कार्ड में 29,500 के निवेश पर हर महीने 4,500 की धनराशि वापसी करने, मिनी कार्ड में 59,000 की निवेश करने पर 9,000 प्रति माह की, और प्राइम कार्ड में 1,80,000 रुपये निवेश करने पर 18,000 प्रति माह निवेशक को वापसी 15 महीने तक करने की स्कीम था। इसके अलावा 3 कैब के लगाने पर बोनस देने का प्रावधान भी रखा गया था। आगे जगदीश सिंह अपने पत्र में लिखते हैं जो उन्होंने यूपी सरकार को लिखा है। उन्होंने जब कंपनी की साइट चेक किया तो कंपनी रजिस्टर्ड था, जिसको देखकर उनका विश्वास और बढ़ गया और उन्होंने अपने बेटे के लिए निवेश करने का मन बना लिया। उन्होंने अपने आसपास और रिश्तेदारों से भी इसकी जानकारी मांगी, उन सभी ने अच्छा बताया और इसको उनकी मीटिंग फिक्स कर दिया। ये सब उसी तरह के हैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में किए जाते हैं। फिर उनका मीटिंग कंपनी के CMD जितेंद्र सिंह के साथ आगरा में रमन टायर के वहां हुआ, जहां पर उनको कंपनी का प्लान समझाया गया, जिसमें कई लोग शामिल थे। श्वेता शर्मा दिल्ली, सचिन वर्मा हिसार, मदल पान सिंह। मीटिंग के बाद हमने जगदीश ने बताया कि हमने कंपनी के अकाउंट जो कि एक्सिस बैंक की है उसमें 1,77,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया, जिसका ब्रांच संजय प्लस आगरा है। श्री जगदीश सिंह का कहना है कि कंपनी के CMD ने इस कंपनी के पैसे को दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर दिया है और गरीब के पैसे हड़प लिया है, इसलिए उनका प्रदेश सरकार से निवेदन है कि उनके खून पसीने की कमाई उनको वापस दिलवाया जाए और एक्सिस बैंक खाता संख्या जो कि 9180200962482210, SBI खाता संख्या 3819134904 के अवैध लेन देन की जांच की जाए। कंपनी के निदेशक एवं प्रमोटर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इस प्रकार के बहुत सारे स्कीम नोएडा और देश के बाकी शहरों में सक्रिय है। इसमें बड़े आसानी से युवाओं को फंसा लिए जाते हैं। यह स्कीम भी ऐसा होता है जिसमें अपने लोग ही अपने लोगों को फंसाने में शामिल होते हैं। जब इसका राज खुलता है तो किसी को बताने से भी शर्माते हैं। आत्महत्या की बढ़ती संख्या का भी एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है इन नेटवर्क मार्केटिंग और पूंजी स्कीम का मामला। इसलिए मेरा भी वतन की आवाज़ की तरफ से प्रदेश सरकार, यूपी सरकार, योगी सरकार से विशेष निवेदन है, आग्रह है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर पीड़ित को न्याय दिलवाएं।